बिहार में एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को दिया है। बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे शाहनवाज हुसैन का टिकट भी इस बार कट गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीट बदली गई है। देखा जाए तो बीजेपी ने जिस तरह से देश भर में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसे लगता है कि पार्टी ने जोड़ तोड़ करके जातिगत आधार पर जो समीकरण तैयार किए हैं वो पार्टी की रणनीति के हिसाब से है। सही है, लेकिन इस बार 2014 का नहीं बल्कि 2019 का चुनाव है, जहां विपक्ष ना चाहते हुए भी कई राज्यों में एकजुट है। बिहार में एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए 40 सीटों में से 39 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनडीए की जारी सूची में बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा और शाहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है। पटना साहिब से अब तक सांसद रहे सिन्हा को पार्टी के खिलाफ बगावत की सजा देते हुए टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चुनाव में उतरेंगे। पटना साहिब श्री रविशंकर प्रसाद जी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवादा की बजाय बेगूसराय से मैदान में उतारा गया है। गिरिराज सिंह नवादा सीट से ही लड़ने के लिए अड़े हुए थे, हालांकि अब पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। बेगूसराय श्री गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। 25 खगड़िया लोक जनशक्ति पार्टी इस पे उम्मीदवार अभी एक दो दिन में अनाउंस करेगी, इसलिए खगड़िया में लोक जनशक्ति पार्टी एक दिन में उनको अनाउंस करेंगी। खगड़िया सीट पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, जो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में है। उधर महागठबंधन में तमाम रार के बाद सीटों का फॉर्मूला तय जरूर हो गया है, लेकिन अभी नामों की घोषणा बाकी है। माना जा रहा है कि अब एनडीए की लिस्ट आने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द जारी होगी। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बाकी घटक दल के लोगों ने परिस्थिति जो है, जो चुनौती है सामने, उसको समझा है और सब लोगों ने मिलजुल करके फैसला लिया है। उन फैसले का स्वागत है, बिहार की जनता जो है उसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है? लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस पार्टी को 6 सीट देते तो कांग्रेस को करना पड़ता, उपाय क्या था कांग्रेस के पास? गठबंधन जब होता है तो कोई स्ट्रैटेजी होती है, जब आप पूरी तरह से सरेंडर हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? इसके अलावा प्रमुख चेहरों में पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सारण से राजीव प्रताप रूडी मैदान में होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय को उजियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बक्सर सीट बरकरार रखी गई है। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत बिहार में बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एलजेपी के खाते में 6 सीटें हैं। देखा जाए तो अभी तक जारी बीजेपी की लिस्ट में पार्टी ने लगभग 99% केंद्रीय मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने फैसला लिया है कि 75 से ज्यादा उम्र के नेताओं को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, इसलिए लालकृष्ण आडवाणी की जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पार्टी ने गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया है और कलराज मिश्र ने स्वयं घोषणा की कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी फॉर्मूले के तहत मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडूरी और शांता कुमार का भी टिकट कट सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने यूपी में अभी तक 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पार्टी सूत्रों के माने तो इन सब की नमो ऐप और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के साथ साथ पार्टी सर्वे में स्थिति जीतने लायक नहीं थी। राजस्थान में बीजेपी ने 25 में से 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि कर्नाटक में बीजेपी 28 सीटों में से 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। कर्नाटक में पार्टी ने अपने सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। बीजेपी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसे देखकर लगता है कि पार्टी ने जोड़ तोड़ करके जातिगत आधार पर जो समीकरण तैयार हुआ है वो पार्टी की रणनीति के हिसाब से सही है, लेकिन इस बार 2014 का नहीं बल्कि 2019 का चुनाव है, जहां विपक्ष ना चाहते हुए भी कई राज्यों में एकजुट हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आज का हमारा मुद्दा इसी मुद्दे पर है जो विभिन्न पार्टियों द्वारा कैंडिडेट्स की घोषणा की गई है। आपको बता दें कुछ देर पहले एनडीए ने एक लिस्ट जारी की है, बिहार की 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। उससे पहले बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दी है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर अभी भी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। समझौते चल रहे हैं, समझौते पे कंफर्मेशन हो गई है, पर कौन होगा उन समझौतों को दावेदार ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, मनीष सिंह है जो कि नेता बीजेपी के हैं, अमलेंदु उपाध्याय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजीत शुक्ला चुनाव विश्लेषक हैं, मिथिलेश प्रसाद नेता जनता दल यूनाइटेड और गोविंद पंत राजू सलाहकार संपादक हैं एपीएन के। सबसे पहले मनीष सिंह जी के पास जाऊंगी। मनीष जी, कल से ही या फिर यूं कहें कि काफी लंबे समय से प्रश्न उठ रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों आपने अलग कर दिया? देखिए, वो हमारे बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हैं और जो उनकी उन्होंने खुद इच्छा जताया था, क्योंकि उनकी जो शारीरिक स्थिति है 91 की एज हो गया है, उस स्थिति में वो खुद इच्छा जताए थे कि इस बार मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ चुनाव लड़ने के लिए। तो उनके इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा थी कि हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि मैं जनता की सेवा अभी कर सकता हूं। आपको लगता है कि एक ऑब्लिगेशन होता है, एक तैयारी होती है? जिस तरह परसों जेपी नड्डा साहब ने लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की थी, उन्हें सबसे पहले ये बात घोषित करनी चाहिए थी कि लाल कृष्ण आडवाणी चूंकि हमारे वरिष्ठ नेता हैं और अब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है या फिर वो खुद नहीं चाहते, लड़ना चाहते हैं, वो सब आपने नहीं किया, सीधा दरकिनार कर दिया और अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन आडवाणी जी की तरफ से तो नहीं आई है। देखिए, उस दिन जो जेपी नड्डा जी चुनाव के कैंडिडेट की घोषणा कर रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टी का कोई पक्ष वहां रख रहे थे, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उनकी घोषणा हो रही थी। पार्टी का पक्ष रखने के लिए अलग टाइम होता है, अलग समय होता है, उस समय पे उनका हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि उस दिन क्यों नहीं बोला गया, तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन सिर्फ कैंडिडेट की घोषणा होनी थी जो हमारे जेपी नड्डा जी ने किया उस दिन। और शाहनवाज हुसैन जी का क्यों टिकट कट गया? देखिए, क्यों कट गया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कटा नहीं, वो सीट जेडीयू के खाते में चला गया, सीट थोड़ी कटा है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ बीजेपी लड़ रही नहीं, है शाहनवाज हुसैन जी तो नहीं लड़ रहे हैं ना, ऐसा वही तो बोल रहा ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, शाहनवाज जी को काट के किसी और को दिया गया, ऐसा नहीं है। चूंकि हम वहाँ पे हमारा गठबंधन हुआ है लोग अपना तीन दलों से, तो अब 40 सीटों में बंटवारा हुआ कि हाँ 20-17 सीट हम नहीं, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मोदी लहर थी तब भी शाहनवाज हुसैन अपनी 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 सीट नहीं बचा पाए थे और उसका उसका खामियाजा आप लोग इस तरह से देते हो, तो जो आरोप लगाता बीजेपी पे लगते हैं कि या तो आप बिल्कुल मतलब उगते सूरज को ही प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को फिर मार्गदर्शन मंडल में आप लोग इसका एक उदाहरण देता हूँ, मंडल में डालने की उदाहरण देता हूँ, जो गोपाल जी ठाकुर जी पिछले बार विधानसभा हारे थे, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते उनको दरभंगा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। भूमिका मतलब तो बना रखी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमलेंदु उपाध्याय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे जानना चाहेंगे, सर ये जो पूरा समीकरण आपने देखा जिस पर हमारी बहस चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, अब ये तो मतलब हर पार्टी का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको टिकट दे किसको नहीं दे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसपे जनता को भी जवाब राजनीतिक दलों को देना होता है। ठीक है, आप अपने किसी नेता का टिकट काटते हैं, भाई आप सीट जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, तो आप ये पहले उसका आकलन करते हैं। हर पार्टी का पहला लक्ष्य होता है चुनाव को जीतना, और चुनाव पार्टी नहीं जीतती है, चूँकि वो कैंडिडेट का चुनाव होता है तो कैंडिडेट जीतता है, तो हर पार्टी ये चाहती है कि उसका जिताऊ कैंडिडेट हो। तो आप जिस का टिकट काटते हैं तो इसका मतलब पहली बार में ही आप अपरोक्ष रूप से घोषणा कर देते हैं कि ये हमारा जिताऊ कैंडिडेट नहीं था, यानी आपने उसको हारा हुआ मान लिया। अब आप चाहे उसके लिए उम्र का तकाजा दें या आप कहें कि सीट नहीं, घोषणा होने के बाद भी भाग रहे हैं, वो भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? ये दोनों पे लागू है, ऐसा नहीं है कि इन पे ही लागू है, सब पे लागू है। भाई राज बब्बर ने कहा कि हम मुरादाबाद से नहीं लड़ सकते, मुरादाबाद से नहीं जीत सकते, वो फतेहपुर सीखी गए इसीलिए, क्योंकि वहां से वो सिर्फ 9,000 वोट चाह रहे थे 2009 में, इसलिए वहां गए। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, सर सर आप अगर राज बब्बर की बात ही कर रहे हैं तो उन्नाव सीट से स्वामी साक्षी महाराज जी की बात कर लेते हैं, वो भी तो धमकी देते हैं और फिर मनवा लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक पार्टी है,
दस लोग बीस लोग बैठते हैं, प्रदेश की टीम बैठती है, प्रांत की टीम बैठती है, प्रांत की टीम डिसाइड करती है, वो फिर राष्ट्रीय टीम को देती है, राष्ट्रीय टीम बैठती है और हर एक नाम पे चर्चा होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी जी को ये नाम पसंद है तो घोषणा कर दीजिए। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके अनुसार टीम लोगों की नाम का कैंडिडेट का घोषणा होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इस विषय पर चर्चा अपनी बनाएंगे। मिथिलेश प्रसाद जो कि नेता हैं जेडीयू के, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश जी, आज एनडीए ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जारी कर दी है, घोषणा कर दी है। क्या कहना चाहेंगे आप, कौन से समीकरण हावी रहे, जातिगत रहे, क्या मुद्दे रहे, किन चीजों को लेकर दिमाग में इन उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं? नहीं नहीं, एक चीज देखिए, हमने जो जो कैंडिडेट दिया है वो कैंडिडेट कोई जाति आधारित नहीं दिया है। और मेरा जो भी उम्मीदवार है वो सारे उम्मीदवार जो है एक मजबूत स्तंभ के रूप में चुनाव में जाएंगे। और चुनाव जो है हम लोग 400 सीट हम लोग जीतेंगे, इसलिए हम लोग कोई जातीय आधारित नहीं दिए हैं। नहीं देखिए, वैसे तो जेडीयू, हम तमाम समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो फिर ऐसा क्यों था कि गिरिराज सिंह जी जो कि पहले नवादा से लड़ते थे, उन्हें आपने यहाँ से बेगूसराय से टिकट दे दिया है? अगर जाति का समीकरण नहीं थे दिमाग में, क्या वजह रही जो एकदम आप लोग पीछे मुड़ गए? और हालांकि अभी अभी खबरें भी आ रही हैं कि शायद वो खुश भी नहीं है सीट से, अमित शाह से मिलने जाने वाले थे। नहीं देखिए, वो तो पार्टी का और जो हमारे एनडीए के जो खास के भाजपा के जो सरकार मतलब कमिटी जो है वो कमिटी डिसाइड करती है कि कहां से किनको कैसे लड़ाया जाए, इसलिए इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक, गोविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, पूरे समीकरण आपने देखे, आप क्या कहेंगे, ये जो लिस्ट आउट हुई है अभी बिहार की खासकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो लिस्ट आई है खगड़िया को छोड़कर बाकी सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, मोटे तौर पर यह दिखता है कि जेडीयू ने भले ही जेडीयू के मिथिलेश जी यहां पर ये कह रहे हैं कि हम जाति देखकर या ये देखकर वो देखकर उम्मीदवारों का चयन नहीं करते, लेकिन उनकी लिस्ट को अगर देखें तो ये दिखता है कि उसमें अति दलित, बैकवर्ड और इस तरह की जातियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। दो सवर्ण सिर्फ उनके 17 के कोटे में हैं और एक मुस्लिम। बीजेपी की सूची को देखें तो बीजेपी ने 5 बैकवर्ड और दलित लोगों को टिकट दिया है और 12 उनके सवर्ण हैं। तो मोटे तौर पर दिख रहा है कि किस पार्टी का किस तरह का जनाधार है, किस पार्टी का किस तरह के कार्यकर्ताओं में के बीच में ज्यादा पकड़ है, वो उसी आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया। और रामविलास पासवान ने तो एक तरह से सारी सीटें अपने कुनबे में ही बांट दी। बिल्कुल, रामविलास बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि हर पार्टी का ये अपना विशेषाधिकार होता है कि वो किसको टिकट दे। और उस दिन जो जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उम्मीदवारों के चयन की घोषणा की गई थी, इसलिए आडवाणी जी का उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन ये ठीक है कि राजनीति में भी एक उम्र होती है जब आपको संन्यास लेना पड़ता है, जब आप सक्रिय राजनीति से बाहर होते हैं। लेकिन जो पार्टी के संस्थापक रहे, जो पार्टी के 30 साल तक एक तरह से सबसे मजबूत स्तंभ रहे, उनको अगर दो शब्द भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से उनकी विदाई के बारे में ना आए, तो ये दिखता है कि एक जो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है उसकी कमी है। और अनेक मामलों में ऐसा दिखता है कि एक तरह से गुरु को गुरुदक्षिणा की बजाय एक तरह से सीधे सीधे नकारने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो कम से कम नैतिक मानदंडों और बड़े नैतिक आचार विचार की बात करने वाली बीजेपी जैसी पार्टी के लिए कम से कम बहुत सही नहीं दिखाई देती है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से अपने पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दें, वो शायद इतना बहुत अटपटा नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति इसी तरह की राजनीति रही। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने जब सक्रिय दिनों में
तमाम दलों को ऐसे ही हड़पा, ऐसे ही झटका, ऐसे ही उनको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जो बहुत सुचिता की, बहुत आचार की, बहुत विचार की, बड़ी नैतिकता की बात करती है, वो पार्टी अपने वयोवृद्ध नेता को बाय बाय करने से पहले दो शब्द भी न बोले, विदाई का कोई एक एहसान भी न जताए, तो ये कहीं ना कहीं खटकने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए आप लोग कैसे समझ रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलता तो उनकी होता और विदाई, आप मीडिया वाले ही ऐसा माहौल बना रहे हैं कि उनकी विदाई उनकी विदाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे श्रेष्ठ नेता हैं और हम लोगों के पूजनीय हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी उनको एक गार्जियन के रूप में मानता है। आप लोग पता नहीं क्यों विदाई 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 कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। सर गार्जियन को भी तो कभी कभार रिस्पेक्ट देते हैं ना। जब आप 2019 के चुनावी मेले में उतरने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह तमाम लोग नए लोगों को ला रहे हैं, तो क्या पुराने लोगों का जिक्र करना भी उचित नहीं समझते? मैं जिक्र की बात नहीं, अभी हमारे कुछ दिन पहले बैठक हुई थी रामलीला मैदान में, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किस भाव से उनको नमस्कार किया और किस तरह उनको रिस्पेक्ट दिया गया, शायद वो भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ उनकी बड़े अच्छे से उनको माना जाता है और गार्जियन के रूप में है, और अभी कोई विदाई वाली बात हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। ठीक है, अमलेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए विदाई वाली बात है या नहीं है अब ये तो पता नहीं कि विदाई है कि नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आपने पीएम इन वेटिंग जो था वो आडवाणी जी को ही घोषित किया था और उनके विचारों की वेटिंग लिस्ट जो अभी तक खत्म नहीं हुई है और वो आपने उनको राजनीति से रुखसत कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब से मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी आई है भारतीय जनता पार्टी में, मैं बड़े कठोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि दोनों की जोड़ी ने जो भारतीय जनता पार्टी का असली कैडर था और जो असली विचारधारा वाला कैडर था उसको बुरी तरीके से क्रश कर दिया और एक नई तरीके की जो कैडर उनका जो आया है उसका ना संघ से लेना देना है ना उसका भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है, वो एक अजीब किस्म के लोग हैं, वो अब सब जाकर के पूरी पार्टी ऊपर हावी होते जा रहे हैं और वो सिर्फ मोदी और अमित शाह दो को ही सलाम करते हैं, बाकी वहां कुछ तीसरा कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो चिंता की स्थिति है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर मोदी जी अगर माली कल को रिटायर होते हैं तो उसके बाद क्या होगा इस पार्टी का? भाई देखिए किसी भी पार्टी का खत्म होना अच्छी चीज नहीं है, कमजोर होना भी अच्छी चीज नहीं है। हम चाहते हैं सत्ता पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, पार्टियां बनी है तो मजबूत रहे, सत्ता में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन गंभीर नेतृत्व जो है वो निकल करके सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके की कमी होती जा रही है। ठीक है मनीष जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर लूंगी। मिथिलेश प्रसाद जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप बीजेपी में खाली अमित शाह और मोदी जी हैं, बाकी अब कुछ बचा नहीं है, और आडवाणी जी की भी रिस्पेक्ट पर जहां तक बात आ रही थी कि एक विदाई भाषण तो बनता था, एक विदाई दो शब्द तो बनते थे, वो भी नहीं बने हैं, ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करके बिहार में आ रहे हैं, जो गठबंधन कर रहे हैं, क्या कहेंगे अब आप? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आज जो है आडवाणी जी का एक उम्र फैक्टर भी है और हम समझते हैं जितना सम्मान भाजपा में मिला है उनको वो कम नहीं है। गार्जियनशिप में लोग मानते हैं उनको और गार्जियनशिप है पार्टी के, तो इसलिए ऐसा हमें समझ में नहीं आती है कि उनको बायकॉट किया गया है। इसलिए समझते हैं कि स्थिति अच्छा है और चुनाव जो उन लोगों का कमिटी है वो डिसाइड किया है, बढ़िया किया है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो कार्य शैली रही है और पार्टी को जो अपने कंधे पर लेके आए यहाँ तक, ये बड़ा ही सराहनीय कदम उनका रहा है और हम समझते हैं पार्टी उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं किया है। ठीक है मनीष जी, चुनाव का जो फैक्टर है, चुनाव जी जी बताएं, चुनाव का एक उम्र होता है तो इसलिए सम्मानित हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो जीते नहीं थे इसलिए उनके टिकट काटे गए, उनमें शाहनवाज हुसैन का भी नाम शामिल होता है, इसके अलावा जो तमाम डिस्कशन चल रहा है, अब आप क्या कहें? देखिए सबसे पहले तो जो इन्होंने बोला है उनके बारे में मैं उसके बात रखना चाहता हूँ कि ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दो मिलकर चला रहे हैं पूरा कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी का ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आज पार्टी को संभाल रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि मोदी और अमित शाह जी, देखिए जब अटल जी थे, अटल जी के बाद आडवाणी जी आए, आडवाणी जी के बाद अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी के बाद कल कोई और आएगा। हमारे यहाँ सिर्फ नाम की नहीं, नाम वाले पे नहीं होता, ये घर की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें नॉर्मल कार्यकर्ता भी, नीचे से कार्यकर्ता जो 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत करके ऊपर आता है और वो फिर पार्टी की जिम्मेवारी जिस अनुसार होता है उसको निभाता है। ठीक है, तो हमारी पार्टी के बारे में अगर ऐसा बोले, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो आपने बोला कि टिकट कटा, चूंकि बिहार में गठबंधन है हमारा और भी 3 पार्टियां हैं और हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ है, रामविलास पासवान जी के साथ है, ये लोग हैं जो ग्राउंड पे काम किए हैं, ये लोग नीचे से ऊपर उठे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि इनके फादर और दादा बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और ये सब अपने रूट से उठ के आए हैं। तो हम ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन से जुड़े हैं जो ग्राउंड पे काम करने वाली पार्टी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को कितना आगे ले गए, रामविलास पासवान जी अपने जिस मिनिस्ट्री में उनको बहुत अच्छे से लेके जाते हैं बीजेपी। तो हमारी जो पार्टी है, जो गठबंधन हुआ है, एक विचार का गठबंधन हुआ, वो विचार जो भारत को विकास की ओर ले चले। ऐसा नहीं कि ऐसा गठबंधन जो हमारा परिवार को लेकर चले, अपने परिवार बचाने में पड़े हैं। अब आरजेडी अपने परिवार बचाने में पड़े हैं, आरएलएसपी हैं जो अपने पड़े हैं, कांग्रेस को तो वहां अब 9 से 6 सीट पे आ गया और बिहार में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जानाधार अब है नहीं। वहां जो गठबंधन और लोगों का जो टिकट कटने वाला, टिकट कटा नहीं है क्योंकि 40 सीट है, 3 पार्टियां हैं, तो हमारी सीटों की बंटवारा हुआ है। अब इस बंटवारे में कहीं जेडीयू का खाता चला गया तो वहां जो पहले से है उनका हटा के जेडीयू को दे दिया गया, तो हमने किसी का टिकट काटा ऐसा नहीं है। हाँ, टिकट काटा ऐसा नहीं है, पर जो बेचारा पहले हार चुका है उसको जरूर साइडलाइन कर दिया गया है ना। अजीत शुक्ला जी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, तमाम डिस्कशन आप सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए वन्ना जी, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 90 के बाद जो है बिहार में रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रही है। और अभी जो अब 2014 की अगर बात करते हैं तो 2014 में जो है नीतीश कुमार अलग लड़े थे, आरजेडी कांग्रेस अलग लड़ी थी और आरएलएसपी और एलजेपी और बीजेपी अलग लड़ी थी चुनाव। बीजेपी को उसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ था, बीजेपी 23 सीटें जीती थी और उसका गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी जो चुनाव 2019 के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरा उलटफेर हो गया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जब लड़े थे ये लोग तो जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ लड़ी थी और एलजेपी आरएलएसपी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी थी। उसके साथ एक नई पार्टी का गठन हुआ, हम जो स्प्लिंटर ग्रुप था जेडीयू का। तो मोटे तौर पर अगर हम बताएं आपको, बिहार की राजनीति जो है वो जातीय समीकरण के आधार पर चलती है। 1990 में जो है कांग्रेस के हटने के बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड के हिसाब से होती थी कि पिछड़ा का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लालू यादव के साथ था और जो अपर क्लास हिंदू थे वो कांग्रेस के साथ थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो अपर क्लास वाले जो वोटर्स थे वो शिफ्ट हो गए बीजेपी के साथ और जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे वो कई धरों में बट गए। तो जो अभी जो चुनाव 2019 का अगर आकलन के बारे में बातचीत करते हैं तो 2019 में जो है ओबीसी जो अपर क्लास हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा ही मजबूती के साथ खड़ा है और जो ओबीसी का बहुत बड़ा चंक है, जब मुसलमान जो वोटर्स हैं और यादव जो वोटर्स हैं वो आरजेडी के साथ हैं। अब जो पूरा दारोमदार है वो ओबीसी का जो वोट है उस पे है। अगर 41% ओबीसी टोटल वोटर हैं बिहार में तो उसमें 14% अगर उसको माइनस कीजिए तो जो बचते हैं वोटर्स वो सारे पूरे डिसाइड करेंगे सारे फैक्टर्स को। यहाँ पे कोई वेवलेस इलेक्शन है बिहार में, कोई बहुत बड़ा वेव नहीं है, कैंडिडेटर पर इलेक्शन होगा। फिर भी बाय एंड लार्ज अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। लेकिन अगर इधर दूसरी तरफ की गठबंधन की बात करें तो एक आरएलएसपी को एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा दिख रहा है। पिछली बार वो बहुत कम सीटों पे गुंजाइश करना पड़ा था उनको, इस बार उनको 5 सीटें मिली हैं
एक नई पार्टी उभर कर आई है जो निषादों की पार्टी है, वीआईपी पार्टी। तो ये जो दो फैक्टर है, जो उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर है और दूसरा फैक्टर जो वीआईपी पार्टी बनी है, ये अभी किसी ने देखा नहीं है इसको, क्योंकि बहुत बड़े समय से, लंबे समय से जो है जेडीयू को लव कुश नाम पे जो है कुर्मी और कुशवाहा का वोट जो है वो हमेशा से नीतीश जी को मिलता रहा है, लेकिन ये इस बार अग्नि परीक्षा है उस कुशवाहा वोट का कि वो कुशवाहा वोट कहां जाएगा। अगर वो कुशवाहा वोट में अगर बहुत बड़ा डिवीजन होता है तो उसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है, लेकिन फिल वक्त अगर हम वर्तमान की राजनीति की बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में बीजेपी गठबंधन है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा कि कुशवाहा वोट कहां जाता है और ये जो वीआईपी पार्टी, जो निषादों की पार्टी जो बनी है, उसका क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है, और दूसरा यूपीए वाला जो गठबंधन है एनडीए और यूपीए में, यूपीए गठबंधन जो छोटी जातियां जैसे मुसहर है और छोटी छोटी जातियां हैं, उसको कितना ज्यादा अपने साथ साधने में सफल होती है। अगर वो ये छोटी जातियों को साधने में सफल होगी तो लड़ाई बहुत दिलचस्प होगा, बहुत रोचक होगी, लेकिन अगर अभी की अगर एज ए इलेक्शन एनालिस्ट अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो अभी थोड़ी सी स्थिति एनडीए की मजबूत है। ठीक है, अब बात करते हैं पटना साहिब सीट की, जो बहुत पहले से विवाद का विषय तो बनी हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी, बगावती सुर उनके लगातार तेज हो गए थे और अब फाइनली उनका टिकट काट दिया है बीजेपी ने, उनकी जगह रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री उनको जगह दी गई है। मनीष जी क्या कहेंगे आप? देखिए, पटना साहिब का मैं वोटर रह चुका हूँ, मेरा गाँव उसी लोकसभा के अंदर आता है, तो जो 5 साल पीछे में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र में कभी गए नहीं, और जो जैसा आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कैसे वो बोलते रहे हैं, क्योंकि पहली बार पटना साहिब लोकसभा को एक बहुत अच्छा उम्मीदवार मिला है रविशंकर प्रसाद के रूप में, वो एक साल से अपने क्षेत्र में हरेक जगह पटना साहिब लोकसभा के 6 वो विधानसभा में जा रहे थे, जनता से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है और जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पटना साहिब लोकसभा इस पर बहुत भारी मतों से जीतेंगे। ऐसी क्या वजह रही शत्रुघ्न सिन्हा की जो लगातार बगावती सुर उनके आते रहे बीजेपी के खिलाफ? अब देखिए, तो पार्टी की बात है, पार्टी की बड़े लेवल की बात है, कुछ ऐसा उनका लगाव डिमांड थी मंत्री पद की, शायद मंत्री पद का भी डिमांड हो तो अब ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं ये सब बातें, लेकिन अगर आप क्षेत्र में आप लोकसभा सांसद हैं और क्षेत्र में आप जा नहीं रहे, क्षेत्र के लोग आपको देखे नहीं, 5 साल में आपको एक बार कहीं देखा नहीं गया, सीधा पटना आके पटना से चले जाना और क्षेत्रों में नहीं जाना, तो क्षेत्र की जनता का क्या उम्मीद होता है? अपना सांसद किस लिए चुनता है कि हम ऐसे सांसद को चुने जो हमारे क्षेत्र की समस्या को उठाए भी और समाधान भी करे? तो पूरे क्षेत्र की बात मैं बताता हूँ, क्योंकि उस लोकसभा का मैं निवासी हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है, हमारे क्षेत्र में तो कभी गए नहीं, और जब जनता के से आप जुड़े नहीं है, जनता का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जनता आपसे सीधे जुड़े नहीं है, तो हटना तय ही है। अब ऐसा कैंडिडेट मिला है पटना लोक साहिब को, एक अच्छे विद्वान के रूप में, अच्छे काम करने वाले, अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता की तरह एक हमारे लोकसभा के नेता मिले हैं। पटना साहिब की जनता को पूरा विश्वास है, पूरा उत्साहित है कि हमारे बीच हमारे रविशंकर प्रसाद जी आए हैं। और बात पूरे बिहार की अगर मैं करूं तो बिहार के लोग अब पहले की तरह नहीं है कि जातिवाद पे जाते थे, आज बिहार के लोगों को विकास चाहिए, गांव में रोड चाहिए, गांव में बिजली चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, मेरा गांव पटना से 20 किलोमीटर है और 7 साल 8 साल पहले भारत पाकिस्तान का अगर मैच देखना होता था तो हम लोग बैटरी चार्ज करा के रखते थे, गांव में बिजली नहीं थी। आज जब मैं गांव जाता हूं तो विश्वास नहीं होता है कि वही गाँव है जहाँ हमारे कुछ एससी समाज के भी लोग हमारे यहाँ रहते हैं, वहाँ तो फिर पूरा बिजली है, रोड है, सड़क है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, शौचालय है, कॉलोनी बना है, गरीबों को घर मिला है। तो बिहार का चुनाव पहले का जो सोच अलग था कि जातिवाद पे जाता है, इस बार विकास पे जाएगा और मोदी जी को 40 में 40 हम लोग जिता के लाएंगे। ठीक है, अमलेंदु जी, मोदी जी को 40 में 40 जिता के लाएंगे, ऐसा मनीष जी का कहना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इनको ऐसा ही कहना चाहिए था, ये कह देंगे 40 में 40 लाएंगे, बिल्कुल नहीं कहना जी। जब पार्टी के प्रवक्ता वो यही कहेंगे हम 40 में 40 लाएंगे, कहना भी चाहिए, हर पार्टी के प्रवक्ता को यही कहना चाहिए, यहाँ तक कि वो जो नई पार्टी बनी है वीआईपी वो भी कहेगी हम 40 में 40 लेके आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक पटना साहिब
सीट का सवाल है। मनीष जी की बात से भी एक बात तो साबित हुई कि इनके यहाँ ऐसे भी सांसद थे जो अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे, तो मुझे लगता है ये जो नेतृत्व तो है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी कमजोरी है ये कि वो अपने, तो कटा अपने, नहीं नहीं तभी तो उनको चेंज किया गया है, नहीं, जो नहीं काम करता हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा जनता भारतीय जनता पार्टी में ना। आपके पास पूरा 5 साल था, आपने पूरे 5 साल इसका मतलब उस क्षेत्र की जनता के साथ में जो आपने न्याय नहीं किया कि आपका सांसद उस क्षेत्र में नहीं जा रहा है और पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी जो अविश्वास मत आया था उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, उन्होंने आपको ही वोट दिया था, तो आपने उस समय भी नहीं कहा उनसे कि नहीं भाई हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आपका वोट हमें नहीं चाहिए, हम तो आपको निकाल के बाहर करेंगे। दूसरा बड़ी अच्छी बात लेकिन ये हुई कि अब रविशंकर प्रसाद जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब अभी तक वो राज्यसभा से ही आते थे, अब वो लोकसभा से आएंगे नहीं आएंगे ये अभी मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो क्या विशेष बात हो जाएगी? नहीं, विशेष बात ये कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब वो भी जानेंगे चुनाव होता क्या है। जी, वो भी जानेंगे चुनाव होता क्या है, ये सबसे बड़ी खास बात है। जी मनीष जी, देखिए बिहार की जितनी चुनाव हुए है तो रवि आप बोल रहे हैं अमलिंदुर जी की रविशंकर प्रसाद जी जो जानेंगे चुनाव क्या है, उनको पिछले चुनाव में देखें तो कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, पार्टी के लिए काम नहीं किया। चाहे बिहार की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या साउथ में की बात हो, हर एक जगह वो चुनाव प्रचार में लगे हैं और चुनाव में मेहनत की है और काम किए हैं। आप पे कैसे बोल सकते हैं कि पहली बार उनको ऐसा लगेगा कि चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव खुद लड़ना और लड़वाना और पार्टी के लिए काम करना एक ही होता हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि चुनाव में अलग है, चुनाव लड़वाने की अलग जिम्मेवारी है और चुनाव लड़ने वाला अलग है, ये कोई कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। हमारे पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को काम निर्धारित होता है कि हाँ आपकी ये जिम्मेवारी दी गई है पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी को जिताने के लिए। तो आज तक उनको पार्टी इस जिम्मेवारी से दे रखा था कि पार्टी का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, और जो जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे थे। आज उनको लोकसभा के लिए चुना गया है तो ये भी जिम्मेवारी अच्छे से निभाएंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पटना लोकसभा इस बार इतनी वोटों से जीते हैं जितने कभी नहीं जीत पाएंगे, इतनी वोटों से हम लोग। मिथिलेश जी आप क्या कहेंगे पटना साहिब के बारे में? देखिए अभी जो चर्चाएं चल रही है, हम समझते हैं कि ये बड़ा ही जो है उनके बिहारी बाबू के बारे में जो लोग का अनुमान अभी जो चर्चा चल रही है वो बात सही है। दिल्ली से उड़ते थे मुंबई और मुंबई से उड़ते थे तो फिर जो है कभी कभी पटना झांकते थे। उनकी जो कार्य शैली है, जो काम करना चाहिए था एक संसद का, वो काम नहीं कर पाए, इसलिए उनको अगर पार्टी ने टिकट काटा है तो इसका कारण यही है कि जो उम्मीद थी, जिस उम्मीद से बनाया गया था उनको संसद, जो टिकट दिया गया था, वो काम नहीं हो पा रही थी क्षेत्र में जो होना चाहिए था। ठीक है, तो जनता के बीच में जाना एक प्रतिनिधि को आवश्यक होती है, जो प्रतिनिधित्व उनको देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे थे। और रविशंकर जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और हम समझते हैं कि वो पार्टी के कार्यों के लिए जितनी भी चुनावें हुई है सभी चुनाव में उनका प्रचार प्रसार में अच्छा योगदान रहा है। तो पार्टी डिसाइड किया है पटना साहिब से तो बड़ा ही हम समझते हैं सम्मानित ढंग से उनका सम्मानित वोट मिलेगा और अच्छे खासे मतों से वो भी विजय हासिल करेंगे। ठीक है, गोविंद जी का रिएक्शन लेते हैं। गोविंद जी, पटना साहिब सीट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पटना साहिब सीट पर चुनाव जीतने के बाद से ही इस बार शत्रुघ्न सिन्हा का जो रवैया था वो साफ दिखता था कि उन्होंने बगावत के सुर पकड़ लिए। शायद वो अपने लिए मंत्री पद चाहते थे और मंत्री न बनने की जो खीज थी वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों की, पार्टी की नीतियों की, यहाँ तक कि पार्टी के नेताओं की भी वो लगातार आलोचना कर रहे थे। और अनेक बार आलोचना के स्वर जो पार्टी की जो सीमा रेखा है मर्यादाओं की उसके भी पार चले जाते थे। और हाल के दिनों में तो जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना करना शुरू किया था, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखना शुरू किया था, उससे दिखता था कि
उनकी आगे पटने वाली नहीं है, और शायद उनको ये भी अंदाज हो गया था कि उनको पार्टी आगे ये जिम्मेदारी नहीं दे सकती, क्योंकि 2009 से जब से ये पटना सीट के बाद इसका नया नामकरण पटना साहिब सीट हुआ है उसके बाद से, और उसके पहले भी ये बिहार की वीआईपी सीटों में से एक सीट मानी जाती थी। और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यहाँ पर कहा, और ये सज्जन सामान्य का भी उनके बारे में, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में यही प्रतिक्रिया थी कि वो क्षेत्र में दिखते नहीं थे, क्षेत्र में जो जन कल्याण के काम हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनमें उनकी बिल्कुल रुचि नहीं रहती थी, वो एक हवाई नेता की तरह थे। तो टिकट कटना तो उनका बिल्कुल तय था, पार्टी के साथ उनकी बन पाएगी नहीं बन पाएगी ये भी पहले से तय हो चुका था। शीर्ष नेतृत्व को और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को जिस तरह से उन्होंने अपने निशाने पे लिया था, उसके बाद तो ये संभावनाएं दिखती नहीं थी कि पार्टी उन पर दोबारा दांव अपनाएगी। और रविशंकर प्रसाद पिछले एक साल से तैयारी कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो बिहार की पृष्ठभूमि वाले उन प्रमुख नेताओं में से एक हैं जिनको बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जाता रहा है अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रमों के दौर में। तो उनके आने से वहाँ पार्टी के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का जो वैक्यूम है उसकी भरपाई करना शायद बहुत कठिन नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात, जो जाति पृष्ठभूमि उनकी है, क्योंकि ये माना जाता है कि 4 से 5 लाख जो वोटर हैं वो इस सीट पर कायस्थ वोटर हैं, और मोटे तौर पर पटना साहिब से अगर कायस्थ उम्मीदवार है और वो किसी बड़ी पार्टी से है तो उसकी जीत की संभावनाएं वैसे ही बड़ी मानी जाती हैं। और रविशंकर प्रसाद की जैसे अपनी व्यक्तिगत छवि है उससे भी मुझे लगता है उनको इसका लाभ होगा, और बीजेपी ने उनका अगर चयन वहां किया है तो शत्रुघ्न सिन्हा का जो वैक्यूम है वो भी उससे भरेगा, और शत्रुघ्न सिन्हा अगर वहां से लड़ते हैं किसी पार्टी के टिकट से तो उसकी जो चुनौती है उसका सामना भी वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ऐसा शायद पार्टी ने सोचा है, और यही उनको वहां से जो सीट उनके नाम पर की गई है इसकी वजह यही दिखती है। अजीत शुक्ला जी से उनका रिएक्शन लेंगे। अजीत जी, पटना साहिब सीट के बारे में लगातार चर्चा जारी है, कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया शत्रुघ्न सिन्हा ने, और एक तरफ सुर ये भी थे कि मंत्री पद चाह रहे थे जो उनको नहीं मिले, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज करेक्ट करना चाहता हूं कि कुछ राज्यों को छोड़कर, सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्रों में या कुछ राज्यों को छोड़कर, जाति जो है वो चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पटना साहिब भी इसका जीवंत तो उदाहरण है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद को क्यों भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया? उस वो राजीव प्रताप रूडी को दे देते या गिरिराज सिंह को दे देते टिकट? गिरिराज सिंह को क्यों नहीं दिया, रविशंकर प्रसाद को क्यों दिया? क्योंकि वो कायस्थ बाहुल लोकसभा सीट है, वहां कायस्थों की संख्या अच्छी है, इस वजह से दिया। तो जातीय समीकरण एक महत्वपूर्ण अवयव है भारतीय राजनीति में, इसको नकारा नहीं जा सकता है। विकास एक अलग चीज है, वो मायने रखता है। कॉस्मोपॉलिटन नेचर जो होता है, अर्बन जो नेचर होता है, वहां पे कास्ट थोड़ा सा कम काम करता है, लेकिन कास्ट फिर भी अभी भी है, उसको आप नकार नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कायस्थ बाहुल क्षेत्र है, उसमें यादव भी है, मुसलमान भी उस विधानसभा क्षेत्र में है, कुर्मी की भी संख्या है। अब अगर वो दूसरी पार्टी से अगर खड़े होते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा अगर वहां खड़े होते हैं, अगर कायस का 30 से 35% वोट अगर वो काट लेते हैं तो बहुत कांटे की टक्कर देंगे। बिल्कुल, दोनों शत्रुघ्न सिन्हा अगर जो है, अगर वो हवाई नेता उनको अगर बोला जाता है, तो रविशंकर प्रसाद जी भी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी भी क्लास के नेता है, रविशंकर प्रसाद जी हुए या आपको कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिन नेता हैं जो चुनाव हार के भी अभी वित्त मंत्री और दूसरे पदों पर हैं, वो अरुण जेटली जी हैं या ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो ये चुनावी राजनीति एक अलग चीज, ये लोग क्लास के नेता हैं, चाहे अरुण जेटली जी हों चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों। तो ऐसा कहना कि वो जो है हवा हवाई नेता है और ये जो है रविशंकर प्रसाद जी वो बड़े मास लीडर हैं, ऐसा नहीं है। दोनों व्यक्ति क्लास ही लीडर है, एक सेलिब्रिटी है और दूसरे क्लास नेता है, मंत्री है। शत्रुघ्न सिन्हा का तो टिकट कटना ही था, अब उनकी जगह क्या जातिगत समीकरण बिठाने थे?
हाँ, जातिगत समीकरण में अगर कायस्थ वोट अगर थोड़ा भी तोड़ने में कामयाब हुए शत्रुघ्न सिन्हा तो मुकाबला रोचक होगा, बहुत मजबूत मुकाबला वो देंगे। लेकिन फिर भी स्लाइट एज मैं अभी भी एनडीए को ही दूंगा इस सीट पे। ठीक है, हम अब यहाँ बात कर लेते हैं नवादा सीट की, जहाँ से श्री चंदन कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार तय हुए हैं। वहां पर पहले गिरिराज सिंह जी का आना तय था, पर अब ये चेंज हो गया है। और जहां तक अपडेट मिल रहा था, गिरिराज सिंह जी खुश नहीं है सीट को लेकर, शायद अमित शाह से मिलने भी जाएंगे। जी मनीष जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि 40 लोकसभा सीट बिहार में, एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। 40 लोकसभा सीट है, अब 40 में 3 को लड़ना है। यहाँ सीट काटा नहीं गया है, अब यह है कि कुछ सीट जेडीयू, कुछ सीट लोजपा, कुछ सीट बीजेपी को मिला है। अब वहां पे जेडीयू के कोटा में वो सीट गया है, तो वहां से उनको शिफ्ट करके बेगूसराय लाया गया है। ऐसा थोड़ी है कि गिरिराज सिंह जी का टिकट काटा गया है, और कोई एंटी एम्बिकेंसी नहीं है वहां पे। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, नवादा में भी अच्छा काम किया है, और अब बेगूसराय से हम जीत के आएंगे और बेगूसराय का भी विकास। अच्छा काम किया तो नवादा दिया क्यों नहीं गया? लेकिन अब वही तो बोले कि अब वो कोटा जेडीयू के कोटा में चला गया। तो बीजेपी देखिए कितना एक अच्छी पार्टी है कि इसमें अगर जेडीयू मचा रही है कि ये सीट हमें दीजिए, क्योंकि हम लोगों में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हम लोगों के बीच में ठग बंधन नहीं है। हम एक दूसरे को ठगने के लिए नहीं जुड़े हैं, हम लोग ऐसा विचार से जुड़े हैं कि हम लोग आपस में एक साथ होके 40 सीट जिता के लाना है और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, और देश को जो 5 सालों में जो विकास की रफ्तार मिली है इसको और आगे बढ़ा के ले जाना है। हमारा विचार एक है हमारी तीनों पार्टियों का, इसलिए हमने किसी का टिकट नहीं काटा है। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे आप नवादा सीट के बारे में? देखिए, एक तो ये जहाँ तक विचार की बात है, मुझे नहीं लगता कि जो विचार भारतीय जनता पार्टी या गिरिराज सिंह जी का है वो विचार मिथिलेश जी की पार्टी का भी है। गिरिराज सिंह जी बड़े सम्मानित नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, आज भी हैं, जो बात बात पर सबको पाकिस्तान का सर्टिफिकेट जारी करते रहे हैं। अब समस्या ये आ गई है कि वो सबको टिकट बांटते थे पाकिस्तान का, खुद भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया नवादा से, उनको पहुंचा दिया बेगूसराय। अब बेगूसराय में दिक्कत ये है कि बेगूसराय वैसे तो भूमिहार बाहुल्य सीट ही है, लेकिन बेगूसराय वो जगह है जिसको कि बिहार का लेनिनग्राद एक समय में कहा जाता था। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ एक ही बार जीती, लेकिन वो गढ़ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से रहा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो भूमिहार लोग हैं वो अधिकांश जो है, मतलब बड़ी संख्या जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। अब वहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब कन्हैया कुमार के सामने अगर पाकिस्तान भेजने वाले गिरिराज सिंह जी लड़ेंगे तो सबका, पूरे देश का बहुत निगाहें जो है वहां हो जाएंगी, और वो सबसे ज्यादा हॉट सीट बन जाएगी। अब ऐसे में अगर मान लीजिए गिरिराज सिंह जी हार गए 1% मान लीजिए, देखिए बिहार के लोग, बंधु जी, बिहार के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, देशभक्ति हैं, वो ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा नहीं देगा जो ये बोलेंगे देश के टुकड़े होंगे। अफजल के बारे में, बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग हमेशा राष्ट्रीयता और हमेशा देशभक्ति होते हैं। कन्हैया जी का जमानत जब्त होने वाला है, जमानत जब्त हो जाए अच्छी बात है, लेकिन नीतीश जी से पूछ लीजिएगा वो कन्हैया कुमार से क्यों मिले थे, मतलब देशद्रोही से क्यों गले मिले थे, वो नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, आपके सहयोगी हैं आजकल। देखिए, उनसे अगर कोई मिलने आएगा तो शिष्टाचार में भगा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो शिष्टाचार में पूर्वांचल के और बिहार के लोग बहुत शिष्टावान होते हैं, देशभक्ति होते हैं, अगर कोई आ रहा है मिलने तो मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? शिष्टाचार में गले लग जाएंगे, आप छोटा है गले मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पैर भी छू रहा है, शिष्टाचार, वही तो बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी और ऐसे लोगों से गठबंधन किया जो देशभक्त हो, शिष्टाचार हो, ऐसा नहीं कि उसके समर्थन विरोध के समर्थन में बयान भी दिया है, समर्थन की बात नहीं है। नीतीश जी ने कन्हैया के समर्थन में बयान भी दिया है, कभी समर्थन उनका नहीं किया है। वो तो आने वाला चुनाव पता चलेगा, आप चेक कर लिया पिछला रिकॉर्ड, आने वाले चुनाव में कन्हैया जी क्या, अगली बार हम आप मिलेंगे तो मैं उनका बयान भी लेता आऊंगा, कन्हैया के समर्थन में जो नीतीश जी का बयान है वो भी लेता आऊंगा। बहरहाल, आप जाति का समीकरण उस पे बात कर रहे थे, तो ये है कि अब वहां अगर कन्हैया से भूमिहार नहीं कटा तो फिर इनके पास क्या रह जाएगा, गिरिराज सिंह जी के पास, तो ये बड़ा संकट वहां खड़ा हो जाएगा। तो अब ये देखने वाली चीज है कि गिरिराज सिंह जी को कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इतना दबके समझौता किया, बताइए जेडीयू की 2 सीटें थी लोकसभा में और आपने उनको एक बड़ा घटक दल बना दिया। दबके नहीं, हम लोग खुला दिल से किए समर्थन,
ऐसा नहीं कि कांग्रेस को तो बोले नौ नहीं नौ आप छे, आप अगर हम अगर आप किसी अगर से समर्थन करते हैं और गठबंधन करते हैं तो पूरा खुला दिल करके और हाथ फैला के करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी नौ पे कभी छह पे, अब देखिए कांग्रेस छह पे लड़ती है। तो सर कि आपने तो इतना ज्यादा खुला दिल दिखा दिया कि जो आपकी पुरानी सीटें आपने जीती थी वो भी छोड़ दी, इतना भी दिल दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसलिए बिल्कुल अगर बिहार का विकास चाहिए, बिहार को आगे ले जाना है, तो वहाँ पे जो प्रमुख पार्टियां हैं और जो हमारे बीच वैचारिक जिनसे मिलता है, वैचारिक अच्छा है हमारे साथ, एक सोच वाली है, तो उनके साथ कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये नहीं, हमें ये पूरा विश्वास है कि कल को अगर जेडीयू ज्यादा सीट लाती है और कम सीट लाती है तो ऐसा नहीं, हम लोग एक मान रहे हैं, हम लोग एनडीए एक तरह से मान रहे हैं, हम लोग यूपीए नहीं है कि कल अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट दे देंगे तो हो सके हमारा छोड़ के किसी और का चला जाए, आरएलएसपी को ज्यादा सीट दे देंगे तो हो सके कल किसी और को सपोर्ट करने के आ जाए। हमारा ऐसा तो हमारी बॉन्डिंग देखिए, आप लोगों को तो अप्रिसिएट करना चाहिए। मैं एक बात का समर्थन करूंगा कि ये बहुत खुले दिल वाले लोग हैं, सबसे गले मिल जाते हैं, यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती से भी मिल जाते हैं। महबूबा मुफ्ती से मिलने का रीजन था वहाँ से मिलने का, क्योंकि वहाँ जैसे वहाँ ऐसे थे कि हमारा विचार ऐसा था कि जेएनके को आगे ले जाना, विकास की ओर ले जाना, जो कि जा भी रहा था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि इनका सोच विचार ऐसा नहीं है, ऐसा सोच विचार हमारे साथ मैच नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों ने उनको छोड़ा। बहुत देर बाद पता चला। मिथिलेश प्रसाद जी, अभी आपने सुना अमलेंदु जी कुछ कह रहे थे कन्हैया कुमार के बारे में, जेडीयू के रवैये को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए जो भी इनका जो कह रहे थे, हम समझते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो चाहे वो लीडरशिप बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो अच्छा कार्य करता है या अच्छा बात करता है उससे मिलने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती है, इसलिए कि हम तमाम जगह पर हम लोगों को सम्मानित करते हैं, तो सम्मानित करना कोई खराब बातें है नहीं। अब कन्हैया जी से मिले तो उसे कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं। रह गई बात कि गिरिराज जी का जो सीट मिला है बेगूसराय, बड़ा ही सम्मानित जगह है और वहां से अच्छे खासे वोटों से वो जीतेंगे, ये मेरा एक आकलन है। और हम समझते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और वो जीत हासिल करेगी अधिक से अधिक सीटों पर, यानी 40 में 40। ठीक है, अजीत शुक्ला जी आपके कहना चाहेंगे बेगूसराय और नवादा सीट के बारे में। देखिए पार्टी हमेशा इंटरनल सर्वे वगैरह कराती रहती है और खुद भी आपस में पार्टी जेडीयू और बीजेपी आपस में सलाम अजवरा कर रहे होंगे ऐसे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पे पीछे हटना पड़ा है, वो 23 सीटों पर जीती थी और अब 17 सीटों पर मात्र चुनाव लड़ रही है। खुले दिल की पार्टी है सर। हाँ, 17 सीटों पर लड़ी तो पहले ही कम हो गई है। हाँ, पहले ही कम हो गई है। दूसरी चीज ये है कि इंटरनल सर्वे वगैरह होगा, एंटी इनकमेंसी भी होता है सांसदों के खिलाफ। नेशनल पार्टियां हमेशा जो है दो दो तीन तीन तरह के सर्वे करवाती हैं और पार्टी से अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेती है। शायद वहां होगा ऐसा कि वो उनको एंटी इनकमेंसी ज्यादा होगा, इस वजह से उनको शिफ्ट किया गया होगा कि भाई वो भूमिहार बहुल सीट है, ये भी भूमिहार है तो उस सीट पे वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इस वजह से उनको सीट बदला गया होगा। लेकिन सुना गया कि वो बड़ा खासा नाराज है उस सीट से शायद। हाँ, ऐसा अपडेट मिला था कि शायद वो अमित शाह से मिलने जा भी रहे हैं। हाँ, तो अगर हाँ तो ये भी ये इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वहाँ के अपर क्लास के जो तीन अपर क्लास के वोटर्स हैं, भूमिहार, ब्राह्मण और ठाकुर राजपूत जो हैं, उसमें भूमिहार जो है और राजपूत वो हमेशा जो है कैंडिडेटर्स पे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा उम्मीद ये है कि जहाँ पे कैंडिडेट भूमिहार, अगर वहाँ पे फिर दूसरा कैंडिडेट होगा तो हो सकता है वो सीट पे बहुत दिलचस्प मुकाबला हो। ठीक है, गोविंद जी आपकी प्रतिक्रिया, एक मिनट है हमारे पास अभी। देखिए मुझे नहीं लगता कि कन्हैया कुमार कोई फैक्टर है जिसकी वजह से गिरिराज सिंह की सीट बदली गई होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार को तो जो बिहार में आरजेडी का जो गठबंधन है उसी ने महत्व नहीं दिया है, उसी ने एक तरह से उसको नकार दिया। छोटी चीज हो गई अब तो। हाँ, जो बड़ी वजह है मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों ने जो सीटों के बंटवारे के लिए काफी लंबे समय तक बातचीत की है और उसमें किस सीट पर किसके जीतने की संभावना ज्यादा है इसको ध्यान में रखा गया होगा। रही बात पिछली बार 23 थी, इस बार 17 है, तो पिछली बार
जब चुनाव हुआ था तब आप सत्ता बिहार की सत्ता में नहीं थे और लंबे समय तक बिहार की सत्ता को अपने गठबंधन के जरिए चलाने की अगर बात आप राज्य की सरकार को भी बरकरार रखने की बात पर अगर ध्यान देते हैं तो इस तरह के थोड़े बहुत समझौते तो हर राजनीतिक दल को करने पड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार में ये कहा जा रहा है कि हम 40 की 40 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे और सारा गठबंधन एक मुश्त जीत की तरफ प्रयास करेगा और अगर ऐसा होता है तो अंतिम परिणाम अंतिम संख्या सांसदों की क्या होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा न कि ये बात कि किस पार्टी के खाते में अभी कितनी सीटें आई ये गौण बात हो जाएगी। अंतिम जो परिणाम है टोटल गठबंधन की कितनी सीटें आती हैं वो ज्यादा महत्व रखेगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारे मुद्दे में आज का विषय यही था। खैर देखना तो ये होगा कि अब जो समीकरण बने हैं भले वो जातिगत बने हों या फिर क्या नाप तोल के जो डिसाइड किया गया है उसका जो परिणाम सामने आएगा वही बताएगा। फिलहाल सभी का शुक्रिया इस मुद्दे में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दे में आज का इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।